10 एक्टिविटीज लेकर आई हूँ। ये एक्टिविटीज मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमें बच्चों को स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी भी कराते रहना चाहिए। एक्टिविटी कराने से बच्चों का माइंड शार्प होता है और बच्चे अपने माइंड को जल्दी जल्दी यूज करते हैं। आजकल आप सभी जानते हैं, आजकल के बच्चे लैपटॉप, मोबाइल और टीवी पर अपना समय ज़्यादा बिता रहे हैं। हमें बच्चों को टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से दूर रखने के लिए बीच बीच में एक्टिविटी कराते रहना चाहिए। एक्टिविटी कराने से बच्चों का माइंड तो शार्प होगा, साथ ही साथ हम उन्हें हैप्पीनेस और हेल्दी लाइफ दे सकेंगे। हमें बच्चों को हेल्दी और हैप्पीनेस लाइफ देने के लिए बीच बीच में स्टडी के साथ एक्टिविटी कराते रहना चाहिए। अब मैं आपको ये एक्टिविटी दिखाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत ही इजी वे में और बहुत कम समय में स्कूल में या घर में ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, थंब एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर आपको बच्चे को सन की पिक्चर ड्रॉ करके देनी है और बच्चे के थंब पर येलो कलर लगाना है। बच्चा ऐसे येलो कलर से थंब इम्प्रेशन देगा और इस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। सेकंड एक्टिविटी, थंब प्रिंटिंग इन पिकॉक। आपको पिकॉक की पिक्चर ड्रॉ करके देनी है और बच्चे को सेम वैसे ही थंब पर ग्रीन कलर लगाना है और बच्चा ऐसे पूरे पिकॉक को कंप्लीट कर लेगा। थर्ड एक्टिविटी, पेंटिंग। इस एक्टिविटी के अंदर हम बच्चे का हैंड ड्रॉ करवाएंगे और ड्रॉ करवाने के बाद स्केच पेन की सहायता से इस तरह हम बच्चे से डिज़ाइन बनवा लेंगे। ये डिज़ाइन आप डिफरेंट टाइप से भी बनवा सकते हैं। फोर्थ एक्टिविटी, डिप योर हैंड इन पोस्टर कलर, प्रिंट इन द स्पेस बिलो, लेट इट ड्राई, डेकोरेट इट। आपको बच्चे के हैंड पर इस तरह के कलर लगवाने हैं। आप ग्रीन, रेड, येलो, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगवाइए। उसके बाद हमें बच्चे का हैंड को ऐसे प्रेस करवाना है। प्रेस करवाने के बाद इस तरह की डक बनेगी और ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। फिफ्थ एक्टिविटी, फाइंड एंड सर्कल फोर डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स। यहाँ पर टू पिक्चर बनी हुई हैं, बच्चे को फोर डिफरेंस ढूंढने हैं और उनके ऊपर सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट मैं आपको कर दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सुराई नहीं बनी हुई, तो बच्चा इसके ऊपर सर्कल करेगा। इस तरह आप ये एक्टिविटी बच्चे से कंप्लीट करा सकते हैं। सिक्स एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर आप बनाना बच्चे को शीट पर ड्रॉ करके देंगे और बच्चे को ग्रीन और येलो क्राफ्ट पेपर देंगे और बच्चे से कहेंगे कि आप बेटा छोटे छोटे टुकड़े टीयर करो और बच्चे से लीफ पर ग्रीन पेपर लगवाएंगे और येलो टीयर किए हुए पेपर आप बनाना पर लगवाएंगे। इस तरह ये एक्टिविटी आप बच्चे से करवा सकते हैं। सेवंथ एक्टिविटी, कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर बनाना बना हुआ है, एप्पल बना हुआ है, बनाना बना हुआ है। अब हम बच्चे से कहेंगे बेटा यहाँ नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी। बच्चा बताएगा एप्पल। लीफ फ्लावर, लीफ फ्लावर, 1 2 1 2, ए बी ए बी। इस तरह बच्चा ये एक्टिविटी पूरी कंप्लीट कर लेगा। एट्थ एक्टिविटी, यूज इन रेड कलर। इस एक्टिविटी के अंदर बच्चे से हम कहेंगे आप जितने भी सर्कल बने हुए हैं उनमें रेड कलर करो। नाइन्थ एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर हम बच्चे से कहेंगे जैसा मैम ने सेम पैटर्न बनाया है, सेम कलर करा है, आपको वैसे ही कलर करना है।
पैटर्न को देखते हुए। स्टार्ट रेड येलो ग्रीन रेड येलो ग्रीन। अब बच्चे से हम पूछेंगे बेटा यहाँ कौन सा कलर आएगा, बच्चा बताएगा रेड। अब यहाँ से स्टार्ट कराएंगे ऑरेंज येलो पर्पल ऑरेंज येलो पर्पल, इस तरह बच्चे से कंप्लीट करा लेंगे। नेक्स्ट है स्टार्ट ग्रीन ऑरेंज ब्लू ग्रीन ऑरेंज ब्लू, इस तरह आप ये पूरी एक्टिविटी बच्चे से करा सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको ये भी बताना जरूरी है कि बेटा जहाँ स्टार्ट लिखा है आप वहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ स्टॉप लिखा है वहाँ पर रुक जाओ। टेंथ एक्टिविटी वेजी ब्रिंजल, कंप्लीट द ब्रिंजल यूजिंग कैरियन एज शोन। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, हम बच्चे को सेम ग्रीन और पर्पल कलर देंगे और बच्चे को सेम पैटर्न हम यहाँ बच्चे को बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह हम ये एक्टिविटी पूरी करवा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सभी एक्टिविटी पसंद आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।